नमस्कार आदाब, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम अलग अलग दो जगहों की खबरें आपके पास लेकर आए हैं। एक तो खड़ी मशीन रोड का डैम है जिसे खूनी डैम कहा जाता है, और वहीं पे कौसा शिमला पार्क का तालाब है जिसे भी शिमला पार्क का खूनी तालाब कहा जाता है। इस वक्त हम यहाँ पे खड़ी मशीन रोड के डैम पर है और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यहाँ पे किस तरीके का महानगर पालिका की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे हम इस वक्त पहुँचे तो अभी भी यहाँ पे देखे कि कुछ छोटे जो बच्चे हैं वो अभी भी यहाँ पे तैर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस जो डैम पे यहाँ पे तैरने के लिए है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग शिवाजी नगर में रहते हैं, दरगाह गली के पीछे। तो तैरना आता है? हाँ, हम लोग को आता है। तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे कुछ बच्चे जो तैरते हुए यहाँ पे मर गए थे, तो उसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर आते हो? मतलब ऐसा आदत हो गई है हम लोग को, तो उसका रोज आते हैं हम लोग। हम यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कई लोग तो जिनकी जान जा चुकी, जो डूबते थे यहाँ पे कीचड़ में फंस के मर गए, उसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर आते हो? नहीं अंकल, हम तो यहाँ पर नहीं तैरते, हम वहाँ पर तैरते क्योंकि वहाँ पर खाली रहता है थोड़ा, यहाँ पर गहरा रहता है। इधर जो बच्चे छोटे रहते हैं उन लोग तैर नहीं पाते, इसके लिए यहाँ पर वहाँ पर तैरते हैं लोग। इस डैम में इतनी मौत हो चुकी है अभी तक, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मनपा अधिकारी यहाँ पे कोई इसको लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे इसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है, और जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है तब कोई यहाँ के राजनीतिक लोग भी यहाँ पे जागते हैं, उसके बाद हादसे के बाद सब कोई नज़र नहीं आता। इसके लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम नहीं है, कोई सुरक्षा की जाली यहाँ पे लगाई नहीं गई है। इस तरीके का हाल इस डैम का है। जिस मकसद के लिए यहाँ पे जो डैम बनाया गया था वो मकसद तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बच्चों का लगातार यहाँ पे आना, यहाँ पे घूमने आना, यहाँ तैरने आना जो जारी है। कई बार हमने इस हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपको यहाँ पे खास करके प्रशासन को यहाँ पे जगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन अनदेखा कर रहा है, बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। और ऐसा लगता है कि अब कोई एक और हादसा यहाँ पे पेश आएगा तब जाके यहाँ के राजनीतिक लोग और यहाँ के प्रशासन जागेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे वही मामला जिस तरीके से आज एक साल डेढ़ साल से यहाँ जो चला आ रहा है वही मामला फिर से हो जाएगा। अब प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, कोई सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम करे, और कोई सुरक्षा की व्यवस्था जो जालियां लगाई जाती है इस डैम के आसपास में, जिस तरीके से और डैम में जहां पे जो इंतज़ाम किए थे उसको देखते हुए यहां पे भी उमरा खड़ी मशीन रोड पे डैम का इंतज़ाम किया जाए ताकि कोई और एक जान ना जा सके। यही रोड है जो खड़ी मशीन रोड का जो डैम की तरफ ये रोड जाता है, और इस खड़ी मशीन रोड के डैम के पीछे साइड में यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है, और यहाँ पे जो आने जाने वाले हैं उनके लिए एक चेतावनी दी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग इसको अनदेखा कर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा है। बच्चों के साथ साथ यहाँ पे फैमिली के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं इस बारिश का मज़ा लेने। एक तरीके से ये डैम को लोग पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम कौसा के शिमला पार्क तालाब के पास है। इस तालाब को भी खूनी तालाब का नाम दिया गया है। जिस तरीके से खूनी डैम में कई मौतें हो चुकी इसीलिए उसका नाम खूनी डैम दिया गया था, वहीं इस तालाब में भी 3 से 4 लोगों की यहां पर डूबने से मौत हो गई। इसे भी इसीलिए यहां पर कौसा शिमला पार्क तालाब को भी खूनी तालाब कहा गया है। कुछ ही महीनों पहले यहाँ पे बोटिंग भी शुरू की गई थी, और यहाँ पे इसकी वजह से थी यहाँ पे और भी लोगों को जो थाना और कलवा और आसपास के शहरों में जाते थे यहाँ मुमरा में बोटिंग के लिए आते हैं, और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे वही हाल जो पहले इस तालाब का था अभी भी वैसे ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई सुरक्षा की दीवार या कोई सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो जाली लगाई जाती है वो यहाँ पे अभी भी नहीं लगाई गई। आप देख सकते हैं मेरे आसपास में छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं जो अक्सर यहाँ पे वक्त बिताने, टाइम पास करने या खेलने के लिए यहाँ पे आते। कल को यहाँ पे कोई भी एक बड़ा हादसा इस तालाब में फिर हो सकता है, फिर किसी की जान जा सकती है, लेकिन अभी तक यहाँ पे प्रशासन का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। कोई भी यहाँ पे इसको बिल्कुल डैम को और यहाँ पे खूनी तालाब को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाए। अब इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि कोई और यहाँ पे जान यहाँ पे बच सके। खूनी डैम में भी जिस तरह से हमने आपको वहाँ पे दिखाया कि बच्चों किस तरीके से वहाँ पे बच्चे वहाँ पे लगातार वहाँ पे नहा रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी बच्चे अक्सर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आसपास में नज़र आते हैं, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये थी हमारी आज की खबर खूनी डैम और खूनी तालाब के बारे में। इसी तरह हम और भी आगे आपको इस तरह की अपडेट दिखाते रहेंगे।
कैमरामैन अनीप शेख के साथ हुसैन सुल्तान प्रहार टाइम्स।